हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजू न्यूज किचन। आज हम बनाएंगे बिहारी चिकन। जब भी घर में चिकन आता है तो सबसे पहले बिहारी चिकन का ही याद आता है, तो इसे लास्ट तक देखिएगा और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिहारी चिकन बनाने के लिए हम 1 केजी चिकन लिए हैं और इसे अच्छे से हम साफ कर लिए हैं। इसमें जो लेग पीस है इसमें हम हल्का हल्का कट लगाएंगे ताकि चिकन अच्छे से पक पाए और मसाला का फ्लेवर इसके अंदर तक जा पाए। देखिए, दोनों साइड से हम इसी तरह हल्का हल्का कट लगा देंगे। गैस के ऊपर हम कढ़ाई रखे हैं और इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल और तेल को हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गरम करेंगे। और तेल जब अच्छे से गरम हो जाए, इसमें से धुआं आना शुरू हो जाए, तो इसमें हम डालेंगे चिकन। इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर। इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर इसे 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। और देखिए, हम इसे 5 से 7 मिनट तक फ्राई किए हैं और देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसमें कलर आया है। चिकन जब इस तरह फ्राई हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। इस समय हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसी तेल में हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। उसके लिए हम लिए हैं 1/2 चम्मच जीरा, 4 से 5 काली मिर्च, 2 तेज पत्ता, 2 सूखी मिर्च, थोड़ी सी जावित्री, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 लौंग और 2 छोटी इलायची। इन सब को हम इसमें डाल देंगे और हल्का सा भून लेंगे। और जब ये हल्का सा भून जाए तो इसमें 6 से 7 हम छिली हुई लहसुन की कलियां डालेंगे और इसे भी हल्का सा भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे। हमने 6 मीडियम साइज का प्याज काटे हैं और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इस समय हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। और देखिए, प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिए हैं। अब इसमें हम 1 कटे हुए टमाटर डालेंगे। इसी समय हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर मिक्स करेंगे और टमाटर को 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसे ढककर फ्राई करेंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और देखिए, टमाटर अच्छे से पक चुका है, तो इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। और देखिए, ये सब अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तीखी मिर्च पाउडर, 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें 1/2 कप पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे और इसे ढक कर 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। बीच बीच में इसे 1 से 2 बार चला दे ताकि मसाला जले ना। 5 मिनट बाद देखिए, मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसका तेल भी अलग हो चुका है। तो हम इसे मिक्स कर देंगे इस तरह से ताकि ग्रेवी अच्छी बने। इसके बाद हम इसमें सारे चिकन को डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे। आपको सूखा चिकन पसंद है तो 1 गिलास पानी डालें। इन सब को हम मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी हमें कम लग रहा है तो 1/2 गिलास हम और पानी डालेंगे, पूरे 2 गिलास पानी हुआ। इसी समय हम 1 चम्मच गरम मसाला डालकर मिक्स करेंगे।
अब हम इसे ढक देंगे और इसे हल्के आंच पर 15 मिनट तक पकने देंगे ताकि चिकन अच्छे से पक जाए। थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चलाते रहें और 15 मिनट बाद देखिए हमारा चिकन बनकर तैयार है। आपको ड्राई चिकन पसंद है तो ग्रेवी को सुखा लीजिए। इस समय हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ढक कर हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन हल्का सा ठंडा हो जाए। और 5 मिनट बाद देखिए हमारा बिहारी चिकन बनकर तैयार है। कितना अच्छा इसका लुक देखने में लग रहा है, देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी बना है, देख के आ रहा है ना मुँह में पानी। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो जब भी आपको बिहारी चिकन खाने का मन हो तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, सब बहुत चाव से खाएंगे और आपका तारीफ ही तारीफ करेंगे। और कैसी लगी आप सबको बिहारी चिकन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड, आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।